धन से जुड़ी समस्या सता रही है आपको। धन आता ही नहीं है आपके पास, टिकता ही नहीं है। आपने देखे होंगे बहुत अमीरों को, किससे सुने होंगे बहुत अमीरों की, इसका भाग्य बदल गया, उसका भाग्य बदल गया, इसकी किस्मत रातों रात खुल गई। कभी अपने दादाजी से, कभी अपने पिताजी से, न जानो कितने लोगों की कहानियां सुनी आपने जिसकी किस्मत रातों रात बदल गई। कोई था दो टके का आदमी और आज करोड़ों में खेल रहा है, परंतु आपके साथ कभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं हुआ और ना ही भविष्य में होगा, ऐसा आप जानते हैं। आप सालों से परिश्रम कर रहे हैं, कुछ थोड़ा बहुत कमा रहे हैं, अपना घर चला रहे हैं, एक मुट्ठी बचा रहे हैं। करोड़पति तो नहीं हो सकते आप, आपको पूर्ण विश्वास है कि मैं अपनी इस छोटी सी दुकान से तो करोड़पति नहीं हो सकता, मैं इस छोटी सी नौकरी से तो करोड़पति नहीं हो सकता, और अन्य कोई मार्ग दिखे नहीं रहा। फिर मैं कैसे बदलूं अपनी किस्मत, मैं कैसे उन लोगों में शामिल हो जाऊं जिसका भाग्य रातों रात बदल गया हो, जिनके किस्से आज बाजार में चल रहे हैं, काश मेरे भी किस्से चले। आज से कुछ वर्ष बाद लोग मुझे भी देखकर कहे कि इसकी किस्मत कैसे जाग उठी, कैसे ये आदमी करोड़ों में खेलने लगा। चाहते हैं आप कि आपके साथ भी ऐसा हो? हाँ, हो सकता है, चमत्कार नहीं है ये, मैंने कहा ना ये विषय की जानकारी है। ज्योतिष शास्त्र एक ऐसी अद्भुत दुनिया है, एक समुद्र है जिसमें खजाने हैं, अनगिनत मोतियां हैं विशेष जानकारियों की, और उस जानकारी के माध्यम से आप अपनी किस्मत बदल सकते हैं। कुछ लोगों का भाग्य ईश्वर बदल देते हैं, परमात्मा बदल देते हैं, कुछ हाथ में राज रेखा लेकर आते हैं। गरीब से गरीब घर में जन्मा बच्चा भी बहुत उच्च पद को प्राप्त करता है, करोड़ों में खेलता है। परंतु यदि आपके हाथ में वो राजरेखा ना हो, आपकी कुंडली में कोई ऐसा ग्रह नहीं है जो आपको रातों रात करोड़पति अरबपति बना दे, तब क्या करें? हम गरीब के गरीब रहे, निर्धन ही रहे, या ज्योतिष शास्त्र से निकाले कोई एक मोती जिसका इस्तेमाल करके हम अपनी किस्मत बदल लें? आज वो दिव्य प्रयोग लेकर आई हो, जलते हुए दीपक में डाल दे बस ये तीन चीज, छोटा मोटा प्रयोग नहीं है, इसीलिए बार बार कह रही हूँ चमत्कारिक है ये प्रयोग। एक जलते हुए दीपक में आपको केवल तीन चीज डाल देनी है, कुछ और नहीं करना। अपने दुर्भाग्य को आप अपने हाथ से ही सौभाग्य में बदलेंगे, अपने सामने ही अपनी किस्मत को बदलता देखेंगे। किस्से कहानियां आपके बाद बच्चे नहीं गाएंगे, ये किस्से कहानियां आप स्वयं देखेंगे मार्केट में कैसे आपका नाम बढ़ता है। छोटी सी दुकान है ना आपकी, कपड़े की, किसी सामान की, उसी छोटे की दुकान से आप करोड़पति बन जाएंगे। छोटी सी कोई नौकरी करते हैं ना आप, अब देखिए आप कहां से कहां पहुंचते हैं। आज का ये दिव्य चमत्कारिक उपयोग, एक ऐसा उपाय, लाखों मांगेंगे तो करोड़ों मिलेंगे, और जो नए भी मांगेंगे ना उसके भी सपनों का घर बनेगा। आप भी घूमेंगे महंगी गाड़ी में, आपके बच्चे भी पढ़ने के लिए अब्रॉड जाएंगे, बाहर जाएंगे, और हर इच्छा पूरी होगी। भौतिक सुख मिलेगा, घर में कोई ऐसी चीज नहीं जिसकी कमी सताएगी आपको। धन से जुड़ी हर समस्या दूर करेगा आज का ये दिव्य चमत्कारिक प्रयोग। परंतु ध्यान से सुने वीडियो को, जल्दबाजी में ना देखें, स्किप ना करें। फिर मंत्र क्या बताया दीदी आपने, किस दिन करना है, ऐसे कपड़े पहन सकते हैं क्या, मिट्टी का दिया नहीं है पीतल का ले सकते हैं क्या, ये सारे सवाल तब उठते हैं जब आप वीडियो को स्किप कर देते हैं। क्योंकि यदि कोई 5-7 मिनट निकाल कर इस वीडियो को शांति से देखे, तो मैं खास करके अपनी बात कर रही हूँ, बहुत लोग हैं जो अच्छे से समझा कर बताते हैं, पर मैं धीरे धीरे बड़े आराम से बताती हूँ, ताकि मेरे भाई बहन जो भी अपने कीमती समय में 5-7 मिनट 10 मिनट निकाल कर मुझे देख सुन रहे हैं, उन्हें मेरे बताए उपाय का लाभ मिल सके। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय जरूर लिखें, अन्य कोई समस्या हो तो वह भी लिखें। जुड़िए चैनल से, जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि जो जानकारी लेकर आती हूँ आपके लिए, जो प्रयास कर रही हूँ मैं आपके लिए, आपके भाग्य को बदलने के लिए, वह प्रयास पहुंचे सीधे आप तक और उठा सके आप उसका भरपूर लाभ। जब भी धन की बात आती है तो हम माता लक्ष्मी को याद करते हैं, शुक्र ग्रह को याद करते हैं। शुक्र गाड़ी है, बंगला है, लग्जरी है, तो शुक्र को याद करते हैं, गुरु को याद करते हैं, लक्ष्मी की बात करते हैं, रुपया पैसा दिमाग में आता है, पर हम एक ग्रह को भूल जाते हैं जो हमारे धन को धीरे धीरे खत्म कर देता है। यदि वो रुष्ट हो जाता है तो हमें राजा से रंक बना देता है, रोडपति बना देता है, वो करोड़पति से। उस ग्रह को भूल जाते हैं, वो ग्रह है शनि ग्रह,
और यदि आप शनि ग्रह से जुड़े कोई उपाय कर रहे हो तो उस वक्त अन्य कोई उपाय न करें, किसी भी ग्रह को इसे न सटाए। वैसे भी शनिदेव जी महाराज को बाकी और ग्रहों से बहुत अच्छी दोस्ती नहीं है। इनका उपाय आप अलग करें, अन्य कोई गुरु शुक्र का उपाय आप कर भी सकते हैं साथ में। इनके साथ में इनकी सामग्री भी अलग होती है, परंतु यदि ये प्रसन्न हो गए, आपने इनके प्रभाव को हटा दिया, फिर देखिए क्या होता है चमत्कार आपके जीवन में। आप स्वयं भी कहेंगे कि ज्योतिष शास्त्र के खजाने से मैं करोड़पति हो गया। संपूर्ण वीडियो को अच्छे से सुने समझे। शनिवार की रात्रि 8 बजे से लेकर रात्रि 12 बजे के बीच यह प्रयोग करना है। 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे कर ले यह प्रयोग। छोटा सा प्रयोग है, आधे घंटे का दिव्य प्रयोग है। एक मिट्टी का दिया ले, मिट्टी का, अन्य कोई दिया नहीं। कमेंट्स में मत लिखिएगा पीतल ले ले, पुराना वाला ले ले, बचा हुआ था ले ले। मिट्टी का एक नया दिया ले ले, बहुत बड़ा साइज का ना ले, छोटा ही ले। सरसों का तेल इसमें भर दे, एक लंबी बाती लगा दे। इसे अपने घर के बीचों बीच मध्य में, आपके घर में चाहे जो भी भाग आता है, बरामदा आता है, किसी का कमरा आता है, लिविंग हॉल आता है, कोई भी ऊपर, आप अपने घर में यदि 4 रेखाएं खींच देते हो काटते वक्त, वो रेखा एक दूसरे को कहां काटेगी ध्यान रखिए। एक दिमाग में थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, पर आप मस्तिष्क में रखिए कि यदि मेरे घर के 4 टुकड़े हो तो चारों एक बिंदी पर जहां मिलेंगे वो स्थान कौन सा है। आसन लगाकर बैठ जाए, आपका चेहरा दक्षिण दिशा की ओर हो, वहीं पर जला दे इस दिए को जमीन में। जमीन थोड़ा साफ सुथरा कर ले, कोई जूठा ना हो, कोई खाया पिया ना हो, कोई चप्पल जूता ना हो, और आप जहां बैठे वहां से भी कुछ गंदगी, कोई चप्पल जूता ना दिखाई दे रहा हो। शनिदेव है, इस बात का मस्तिष्क में ध्यान रखें तो खुद ही डर जाइएगा आप, क्योंकि शनि ग्रह ही ऐसा है कि उन्हें हमें रुष्ट नहीं करना, उन्हें हमें प्रसन्न करना है। दिया जला दे, आप दक्षिण की ओर चेहरा करके बैठ जाए। जब दिया जलने लगे तो 108 बार मुंह से बोलकर, मन ही मन नहीं, ओम सन सनिश्चराय नमः, ओम सन सनिश्चराय नमः, ओम सन सनिश्चराय नमः का कंटिन्यूटी के साथ जप कर ले, मुंह से बोल के शब्द। पुरुष करे तो बहुत अच्छा, ना संभव हो तो महिला करे। रात्रि का समय हो, टीवी टेलीविजन बंद कर दे, कहीं की शोर ना आए, कोई टोके नहीं, आपके सामने से कोई गुजर ना जाए, ध्यान रखे। आप इसे जलते हुए दिए में आपको प्रथम डालना है 1 रुपए का 1 सिक्का। धन से जुड़ी समस्या है, इस बात का ध्यान रखें। तेल के तह पर बैठ जाएगा, इस सिक्के पर डालें 1 चुटकी काला तिल, और अब इसके ऊपर डालें 17 दाने काली उड़द की दाल। एक सिक्का डाला आपने, तिल डाला और दाल डाला, और दिए को जलने दे। नमन करें, माथा टेके और आप उठ जाएं, दिए को जलने दे। दिया करीब 1 घंटे से 2 घंटे तक जलेगा, और जलने भी दे, इसका प्रकाश, इसकी खुशबू घर में फैलने दे। आप नमन करके उठ जाएं तो आप सोने जा सकते हैं। यदि रात्रि को आप कर रहे हैं तो आप सोने जा सकते हैं, सो जाइए, इसे मत छूइए, कोई डिस्टर्ब ना करे इसे। अगले दिन यानी रविवार के दिन पहले स्नान करें, स्वच्छ हो जाएं आप, स्वच्छ कपड़े पहने, तब इस बुझे हुए दिए को उठाएं और किसी भी बहते हुए जल में, किसी भी ठंडे जल में इस दिए को प्रवाहित कर दें। इसमें अगर यदि नीचे कोई सामग्री बैठी हुई है, जैसे सिक्का बैठा हुआ है या कुछ दाल के दाने, आप इसे हाथ ना लगाएं, इस दिए को बहा दें। आज एक बात मान के चलिए, जो भी समस्या है जिस कारण से धन नहीं आ रहा आपके पास, वो समस्या तो गई आपके जीवन से। लाखों मांगेंगे तो करोड़ों मिलेगा, धन से माला माल हो जाएंगे आप, इतना धन कमाएंगे कि 7 पुस्तें खाएंगी आपकी, संभाल नहीं पाओगे। तो अवश्य करिए इस दिव्य प्रयोग का अनुभव, किया क्या बदलाव आया आपके जीवन में, मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बस मित्रों, आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।